Hey there and once again welcome to WS Cube Tech, myself Bhagirath Giri और बहुत ही एक लंबे ब्रेक के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए कि 2023 में आपको BCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो किस किस तरीके से करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं BCA डिग्री के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि BCA क्या है, फिर BCA कैसे ज्वाइन किया जाता है, BCA में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है BCA करने के, डिसएडवांटेजेस क्या है BCA करने के, और फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि BCA आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले BCA क्या है ये समझते हैं। तो BCA 3 साल की एक बैचलर डिग्री है जिसका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस डिग्री के अंदर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के इन अराउंड काफी सारी चीजें सीखते हैं, मतलब आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, कुछ नेटवर्किंग के कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ हार्डवेयर के कंसेप्ट सीखते हैं और इस तरीके से आप वो सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर इंजीनियर को आने के लिए। बेसिक ये BTech डिग्री नहीं है तो इसके अंदर इतनी इन डिटेल चीजें नहीं होती, बट अगर आप अलग अलग जगहों के कोर्स करिकुलम देखेंगे, अलग अलग कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो BTech में पढ़ाए जाते हैं वो BCA में मिलेंगे। तो ये 3 साल की एक डिग्री होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए BCA के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई फिक्स एक टाइप का बंदा ही ज्वाइन कर सकता है। जैसे BTech के अंदर एक क्राइटेरिया है कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, बट BCA के अंदर आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, किसी भी फील्ड से आप हो, आप BCA को ज्वाइन कर सकते हो और BCA को ज्वाइन करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो IT की दुनिया को। तो आज के टाइम में जैसे IT में जॉब्स बढ़ती जा रही है, IT में डिमांड बढ़ती जा रही है, IT में स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि यार क्यों ना मैं भी एक बैचलर डिग्री ऐसी करूं जिसमें मुझे टेक्निकल नॉलेज मिल जाए और मैं इजीली टेक्निकल जॉब पर जा सकूं। जो ऐसे लोग जो प्रीवियसली साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे उनके लिए BCA एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि उनको बिना किसी साइंस बैकग्राउंड के टेक डिग्री करने का मौका मिल जाता है। तो अब ये तो बात हो गई कि BCA कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, अब BCA ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो BCA ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस BCA में आपको एडमिशन दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स, मतलब आपके जो भी 12th में मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरे तरीके के जो कॉलेजेस होते हैं वो ना सिर्फ आपके 12th के मार्क्स देखते हैं बल्कि उनका इनहाउस एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। लेट्स से आप किसी कॉलेज में गए और आप BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज ना सिर्फ आपके मार्कशीट को देखेगा बल्कि उनका खुद का एक एग्जाम होगा, वो भी आपसे कंडक्ट करवाएगा या आपसे दिलवाएगा, सो दैट कि वो देख सके कि आप उनके कॉलेज में BCA ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जो तीसरे तरीके के कॉलेजेस होते हैं उसमें ना सिर्फ आपके 12th की मार्कशीट, आपके इंटरनल एग्जाम्स बल्कि इंटरव्यू के बेसिस पर भी आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके होते हैं आपके एडमिशन के, डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या उस यूनिवर्सिटी की खुद की वर्थ कितनी है या उस कॉलेज की खुद की वर्थ कितनी है। तो ये तो बात हो गई कि BCA ज्वाइन कैसे किया जाता है। अब BCA ज्वाइन करके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती है उनको समझते हैं, और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि BCA के अंदर आपको पढ़ाया क्या जाता है। तो BCA के अंदर आपका जो 3 साल का पूरा कोर्स है, यानी वो 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर में भी डिवाइडेड हो सकता है, यह हो सकता है कि सिर्फ 3 साल का कोर्स जो है वो ईयरली भी चले, तो सेमेस्टर में डिवाइड हो चाहे ईयरली चले। BCA के अंदर मोटी मोटी जो चीजें पढ़ाई जाती है वो होती है C, C++, जावा, डेटाबेस में आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हो, यानी MySQL भी सीखते हो आप, और आप MySQL को कैसे Oracle पे यूज करते हो ये भी सीखोगे, RDBMS क्या होता है ये भी सीखोगे, और C, C++ की हेल्प से आप बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंडामेंटल्स ये भी सीख जाते हो। फिर आपको आजकल अगर आप देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स को एडवांस करने में लगी हुई है, तो हो सकता है कि वो आपको पाइथन भी सिखाए, बट ये सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी पुरानी लैंग्वेजेस पे चल रही होगी, जैसे आपको कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में VB.NET भी देखने मिल जाएगा या .NET फ्रेमवर्क भी देखने मिल जाएगा जो कि वैलिड है बट उतनी ज्यादा इन डिमांड स्किल सेट नहीं है। फिर साथ ही साथ BCA में आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग को भी सीखते हो। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में जैसे आप ये सीखोगे कि गेट्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं और 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद ने BCA MCA किया हुआ है, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस चलने वाला है और कैसे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो जब फाइनली आप BCA के अंदर एक अपना 3 साल की डिग्री कर लेते हैं जिसमें आपने नेटवर्किंग के कंसेप्ट भी पढ़ लिए, जिसमें आपने
वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स भी पढ़ लिए, जिसमें आप लोगों ने पाइथन भी पढ़ ली, और इस तरीके से आपने 360 डिग्री नॉलेज ले लिया एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। बट यहां तक कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि 360 डिग्री नॉलेज लेकर आप गुड एट ऑल बन जाते हो बट बेस्ट एट नन रहते हो। तो बेस्ट एट नन बनने के लिए आपको क्या करना होता है? बेस्ट एट नन बनने के लिए थ्रू आउट BCA, जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, तभी आपको कोई एक स्किल चूज कर लेनी होती है। लेट से आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ, तो BCA की जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए आपने वेब डेवलपमेंट को एज अ करियर या एज अ स्किल चूज कर लिया है, और अब आप लग जाते हो साथ साथ में आपके कॉलेज के साथ साथ स्किल गेन करने में। क्योंकि जब एक बंदा BCA करता है और जब एक बंदा BTech करता है, तो BTech कंप्यूटर साइंस वाला जो बंदा है वो BCA कंप्यूटर साइंस वाले से हमेशा अबव रहता है इन कंसिडरेशन ऑफ कंपनीज, क्योंकि कंपनीज चाहती है कि हम BTech वाला बंदा हायर करें, ना कि BCA वाला। बट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप फुलफिल कर सकते हो जस्ट बाय गेटिंग अ स्किल, क्योंकि कंपनीज डिग्री से ज्यादा आज के टाइम में स्किल देखती है। बट इन केस कोई कंपनी अगर डिग्री भी देख रही है, तो भी आप स्किल से अपना वो जो गैप है वो फुलफिल कर सकते हो। और स्किल गेन करने का बेस्ट तरीका क्या है? स्किल गेन करने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम बच जाता है BCA के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद BCA के फाइनल ईयर तक, मतलब 2 साल का एक बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, जिसमें आप अपनी स्किल को शार्प कर सकते हो और BCA में जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो सीख सकते हो। अब ये तो वो बात हो गई कि आप BCA में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, बट BCA को पढ़ने के बाद यानी BCA कंप्लीट होने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा एक पार्ट है, क्योंकि BCA एक आपकी कंप्यूटर डिग्री है, तो यहाँ पर आपकी ना सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में बल्कि बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुल जाती है वो होती है गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब से मेरा मतलब है कि वो जॉब्स जिनमें बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री जैसे कि SSC, CGL, बैंक की जो भी जॉब्स होती है, वो सारी जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपकी बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो BCA उस बैचलर डिग्री को फुलफिल कर देता है। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया, ये पहली एक पाथ हो गई जिस तरफ आप जा सकते हो आफ्टर कंप्लीशन योर BCA। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते, तो दूसरा जो एक पार्ट आपके सामने होता है वो ये होता है कि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में या किसी भी जगह पर एज अ डेवलपर वहां पर हायर हो सकते हो या एज अ डेवलपर अप्लाई कर सकते हो। बट वो बहुत मैटर करेगा कि आपने स्किल्स क्या सीखी, क्योंकि जब BCA में आपको जो चीजें पढ़ाई जाएगी वो फंडामेंटल्स हो गए, और उन फंडामेंटल्स से आपने अगर कोई स्किल सीख लिए तो बहुत आपको हेल्प करेगा, लेकिन फंडामेंटल बहुत स्ट्रांगली आपको सीखने होता है। तो दूसरा जो पाथवे है वो ये है कि आप सिंपली जॉब कर सकते हैं। अब जॉब के अंदर जो एवरेज सैलरी पैकेज होता है एक BCA वाले बंदे का, वो स्टार्ट होता है 2 लाख से, और जो रेंज करता है वो 10 लाख के बीच में रेंज करता है। ये मैं एक नंबर बता रहा हूँ जो कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई बार नहीं है। अगर आपने स्किल बहुत अच्छे से शार्प कर ली आपकी और बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है आपको, लेट्स से वेब डेवलपमेंट का ही या ऐप डेवलपमेंट का ही, तो आप उन 10 लाख को 15 लाख पर भी लेके जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। तो ये पार्ट हो गया सेकेंड फेज जिसमें हम लोग जॉब कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है जो कि काफी लोग प्रिफर करते हैं वो होता है फ्रीलांसिंग का। तो आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग में भी वर्क कर सकते हैं, मतलब आपने जो स्किल सीखी थी अब उस स्किल को आप किसी को दे रहे हो, और इन एक्सचेंज ऑफ दैट आप उससे डायरेक्ट पैसा लेते हो, ना कि कंपनी के थ्रू आपकी कोई सैलरी आ रही है। तो ये एक फ्रीलांसिंग हो गया जिसमें आप क्लाइंट से सीधा जुड़े हुए हो और उसके छोटे मोटे टास्क करके देते हो या उनको पूरे प्रोजेक्ट्स बनाकर देते हो। जो फोर्थ वे होता है वो ये भी होता है कि जैसे आपने पूरी BCA डिग्री कर ली बट आपको लगा कि मुझे प्रोग्रामिंग में, ये कोडिंग में उतना ज्यादा अच्छे से मजा नहीं आया या मैं स्किल्ड नहीं हो पाया, ये कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पर आप सेल्स में भी जा सकते हो। ये पार्ट बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि आप सेल्स में भी जा सकते हो BCA करने के बाद, क्योंकि आपने BCA की डिग्री कर ली है तो आपको टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और टेक कैसे काम करता है ये तो समझ आया ही है। तो अब आप उन कंपनीज में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव भी लग सकते हो जो कंपनीज आपके इस टाइप के कोर्सेज करवाती है, जैसे कोई वेब डेवलपमेंट करवाता है, ऐप डेवलपमेंट करवाता है, या जैसे कोई पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, या फिर कोई कॉलेजेस जो BTech BCA करवाती है। क्योंकि आपने पूरी एक टेक डिग्री कर ली है तो आपको बहुत इन अराउंड अच्छे से नॉलेज हो जाती है, ऑल्दो आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हो, आप खुद कोड नहीं लिख सकते, बट लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आप सेल्स में जा सकते हो, और लोग सेल्स को अक्सर इग्नोर करते हैं बट सेल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप एक बहुत अच्छी अर्निंग बना सकते हो।
तो ये तो हो गई आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द बीसीए आपके पास आ जाती है। अब इन अराउंड अगर हम लोग सारी चीजें देखें तो बीसीए में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बीसीए के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाई नॉट बीटेक, तो फिर मैं बीटेक की तरफ क्यों ना जाऊं, मैं बीसीए क्यों करूं। तो देखिए बीटेक करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट बीटेक ना करने के कुछ रीजंस हैं जो बीसीए को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। उसमें सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल रीजन, क्योंकि एक बीटेक डिग्री अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी या बहुत मोटा पैसा आपको वहां खर्च करना पड़ेगा। तो इफ यू आर नॉट रेडी टू पे दैट मच ऑफ मनी, अगर आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप बीसीए को प्रेफर कर सकते हो, और साथ साथ में दबा के मेहनत करके आप उस बीटेक लेवल तक का नॉलेज गेन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। द सेकंड थिंग इज कि जब आप बीटेक में ज्वाइन हो जाते हो, मतलब जब आप बीटेक कर रहे होते हो, तब आपके पास में जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे आपको टास्क मिले हुए होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम खत्म करने होते हैं, वो बीसीए में थोड़े से कम होते हैं, तो आपको बाकी चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। लेट से आपने बीसीए करते करते साथ में कोई और कोर्स कर लिया, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर ली, लेट से आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, वो सारी चीजें आप पैरेलली कर पाते हो बीसीए के अंदर, बट बीटेक में नहीं कर पाते। ऑल्दो बीटेक एक ऐसी डिग्री है जो बीसीए से तो ऊपर है, बट कुछ कुछ उसके कॉन्स है जिसकी वजह से आप बीसीए कर सकते हो, और यही बीसीए करने के बेनिफिट्स भी है, जैसे कि आपका पैसा कम लग रहा है, आपका टाइम कम लग रहा है बिकॉज आप 3 साल में ट्रेन हो गए, आपके पास इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम है थ्रू आउट दिस 3 इयर्स कि आप अपनी साइड स्किल पे फोकस कर सको, क्योंकि ये मार्केट की रियलिटी है कि आपके पास कितनी भी अच्छी डिग्री हो कोई मैटर नहीं करता, जब तक आपके पास स्किल ना हो, जब तक आपके पास बेस्ट स्किल नहीं है, तब तक आप मार्केट में इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते। आप डिग्री के बेस पर एक बार कहीं पर हो सकता है ज्वाइन हो जाओ, एक बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट मिले और आप डिग्री के बेस पर इन हो जाओ, बट सर्वाइवल जो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल वो स्किल के बेस पर होता है। तो बीसीए करते करते साथ में आप अपने स्किल्स को भी शार्प कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ फायदे हो गए जो आपको बीसीए करने से मिलते हैं। तो हमने बीसीए के कुछ बेनिफिट्स देख लिए, अब हम लोग आ जाते हैं बीसीए के कुछ डिसएडवांटेजेस पे, यानी बीसीए करने के कुछ नुकसान। तो बीसीए करने का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि बीसीए क्योंकि एक 3 इयर्स की बैचलर डिग्री है जो कि बीटेक के कंपैरेटिव थोड़ी सी नीचे गिनी जाती है, तो जहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी वहां पर बीटेक वाले बंदे को पहले कंसिडर किया जाएगा एज कम्पेयर टू द बीसीए पर्सन। बट फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास स्किल शार्प है तो हो सकता है कि आप उसको कम्पीट भी कर पाओ, और अक्सर क्योंकि बीटेक वाले बंदे की कंसिडरेशन ज्यादा होती है तो लोग बीसीए करने के बाद एमसीए को भी प्रेफर करते हैं, सो दैट कि वो मास्टर हो जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो जब बंदा बीसीए और एमसीए दोनों कर लेता है तो वो बीटेक वाले से इजीली कम्पीट कर पाता है, तो ये एक नुकसान है बीसीए करने का। साथ ही साथ क्योंकि बीसीए एक 3 इयर्स की डिग्री है, तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री, अगर आउट ऑफ कंट्री एज इन इंडिया के बाहर अगर आप कोई और कोर्स करने जाना चाहते हो जहां पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने 4 साल की बैचलर डिग्री की हो, वहां पर आप एलिजिबल नहीं होते क्योंकि आपने 3 साल की बैचलर डिग्री की है, तब वहां जाने के लिए आपको फिर एमसीए की तरफ जाना पड़ता है, और अपनी एमसीए खत्म करके फिर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो फॉर हायर स्टडीज। तो ये कुछ नुकसान हैं जो बीसीए करने के हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, जो जिनसे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एट द एंड जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है स्किल। तो ये सारी चीजें जो हमने इन अराउंड डिस्कस की है कि बीसीए क्या होता है, बीसीए को कैसे ज्वाइन किया जाता है, कैसे बीसीए में क्या चीजें पढ़ाई जाती है, और बीसीए ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान क्या है। अब मैं आ जाता हूँ अपने कंक्लूजन की तरफ। सो गाइज, ये सारी चीजें आपने जब सुनी तो आपके पास आपने कुछ कुछ चीजें अपने माइंड में प्रोसेस की होगी, और इनसे जो आपके कंक्लूजन निकल के आए होंगे वो ये होंगे कि आप बीसीए ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन एक टेक बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहते हैं। सेकंड, फाइनेंशियली स्ट्रांग है लेकिन आपके पास में जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं है, बट आप टेक बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहते हैं। थर्ड थिंग इज कि आप बीसीए इसलिए करेंगे क्योंकि आपको साइड में बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि आप किसी और चीज को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि यार मैं करियर तो वेब डेवलपमेंट में बनाऊंगा, बट मुझे डिग्री तो चाहिए, तो चलो क्यों ना एक ऐसी डिग्री की जाए जिसमें मुझे टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगी, टेक्निकल डिग्री भी आ जाएगी मेरे पास, और मैं अपना वेब डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो ये एक और पार्ट है बीसीए करने का, तो ये एक और चीज है। तो अब आपको फाइनली खुद को ये कंक्लूड करना है, या फाइनली खुद को ये सोचना है कि क्या आपके लिए बेस्ट फिट है। अगर आपको लगता है कि जो बीसीए करने के फायदे हैं
वो आपके लिए ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू द डिसएडवांटेजेस, तो आप श्योर श्योर बीसीए के लिए जा सकते हैं। बट इनकेस अगर आपका सेकेंड थॉट आता है कि नहीं आई कैन इन्वेस्ट अ गुड टाइम अ गुड मनी और मुझे थ्रू आउट द टाइम चलेगा अगर मेरे पास में बहुत सारा काम रहता है, तो आप बीटेक की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कंक्लूजन था जिसमें मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि अगर आप 2023 में बीसीए करना चाहते हैं तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट दिस, और साथ साथ में आपको स्किल शार्प करते रहना है। तो स्किल शार्प करने के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्या है, WS Cube Tech। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो कंफ्यूज है कि बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उसको बोलिए कि इस वीडियो को देखकर वो अपना माइंडसेट बनाए, वो अपना कंक्लूजन निकाले कि वेदर ही और सी शुड गो फॉर बीसीए और नॉट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।